नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। अभी से कुछ देर पहले ही लोग काफी ज्यादा जो है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिदरा का जो हाईवे है वो बंद कर दिया गया, क्यों किया गया है, क्या परेशानी आ गई है। इस वक्त हम अगर मैं बात करूं तो सिदरा में है, यहां से एक रोड बजालता को जाता है और दूसरा जो है यहां से नरवाल की तरफ जाता है, और ये जो है जो पुल की तरफ से जो ब्रिज है वहां से जो रास्ता आता है, जहां से ब्रिज शुरू होता है वहां पर भी नाका लगाया गया है, किसी भी गाड़ी को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। और जो यहां पर पहुंच जाते हैं ये नेक्स्ट दूसरा नाका है पुलिस का, और यहां से भी किसी भी स्कूटी और किसी भी गाड़ी को इस रास्ते से आगे जो है वो जाना नहीं दिया जा रहा है। बात यह है कि एक IED रिकवर्ड की गई है पुलिस द्वारा, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि इसी रास्ते पर आगे जाके अभी हम स्पॉट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या किस एरिया के पास जो है वो आईडी जो है वो रिकवर की गई है। अभी तो यही बताया जा रहा है कि बत्रा के नज़दीक ही कोई ऐसा एरिया है जहां पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई आईडी जो है वहां पर प्लांट करके गया हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंची, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है, उनकी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने आईडी वहां से रिकवर्ड की है। एक बड़ी जो हादसा हो सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता था, वो टाला गया है समय रहते। अब ये इन्फॉर्मेशन अभी देखेंगे कि किस तरह से इनको जानकारी, पुलिस को कैसे ये जानकारी मिली, किस तरह से पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, किसने वो आईडी जो है वहां पर देखी, ये इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है। लेकिन बात यही है कि आखिरकार किस तरह से जम्मू में अब जो है लगातार जो है अगर आतंकवादियों की बात की जाए तो वो पहुंच रहे हैं, आईडी रिकवर की जा रही है। कल की भी बात की जाए तो ग्रेनेड भी रिकवर किया गया था सुजवा में। आपको जानकारी होगी हमने कितनी पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताई थी कि सुजवा में जिस तरह से दो आतंकवादी जो थे वो छुपे हुए थे एक घर में, और वहां पर हमारे जो इंटेलिजेंस है उनको खबर मिलती है, इनपुट मिलता है, उसके बाद वहां पर दबिश दी जाती है और उन दोनों आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया जाता है। और कल भी एक खबर वहां से आई क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन वहां पर की गई, हर चीज वहां पर देखी गई, तफ्तीश से वहां पर इंक्वायरी भी की गई कि और कोई सामान तो वहां पर बिखरा हुआ नहीं है, कोई और आईडी जो या और ग्रेनेड जो हमेशा आतंकवादियों के पास रहता है, जो फिदायीन हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो तो नहीं है। लेकिन कल जो बात सामने आई, एक ग्रेनेड जो है उसी घर का, जो घर का मालिक है, उसकी वहां पर दुकान भी है, जो वहां पर काम करता है, उसको वहां पर उसके जो कर्मचारी थे उनको एक वस्तु वहां पर मिलती है, उनको उससे लगता है कि शायद ये ग्रेनेड है। फिर वो पुलिस को जानकारी देता है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और सच में वो ग्रेनेड ही होता है। एक बड़ी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रेनेड वो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था उसके जरिए, लेकिन कितने दिनों के बाद वो ग्रेनेड जो है वो जो है उन लोगों को दिखा और फिर वो पुलिस ने भी रिकवर किया और दोनों आतंकवादी को वहां मार गिराया गया था। और उनसे जुड़े हुए तार जो है वो भी अब खोले जा रहे हैं, जो उनसे जुड़े आतंकवादी हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, उनको भी मार गिराया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के 2 दिन पहले वो हादसा हुआ था। उसके बाद जिस दिन रैली थी लल्याल, जो बिश्नाह का एक एरिया है, गांव है, वहां पर भी एक सस्पेक्टेड ब्लास्ट हुआ था, उस पर भी इंक्वायरी बिठाई गई, उस पर भी पूरा खंगाला जा रहा है। और अभी जो बात आ रही है ये अभी भी देखा जाए तो यहां पर टोटल तरीके से बंद किया गया है, कुछ एक दो गाड़ियां जो बाइक है वो यहां से निकल रही है, शायद इनका घर यहां पर होगा, लेकिन बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं यहां पर टोटली रोक दी गई हैं। ट्रक हैं, बसेस हैं, यहां पर रोका गया है। और उसके पीछे अगर बात की जाए, जो नगरोटा से आते हैं, जब आप एक रास्ता जो है पानीतीती की तरफ जाता है और दूसरा इस पुल की तरफ से यहां की आता है, वहां पर भी एक नाका लगाया गया है और किसी को भी आगे जाने की जो है वो किसी भी तरीके से आगे वो नहीं निकल सकते हैं। जब हमने यहाँ पर जो पुलिस है जहाँ पर वो नाका लगाया गया उनसे जानकारी दी कि आखिर आप रोक क्यों रहे हैं, उनको भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि किसी भी गाड़ी को यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, शायद अब रास्ता जो है वो खोल दिया होगा, जहाँ पर आईडी रिकवर की गई है, जो जानकारी मिल रही है कि आईडी रिकवर की गई है, अगर वो मिली है तो शायद अब रास्ता क्लियर कर दिया होगा, तभी इनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन वो आगे जाके हम पूरी तफ्तीश देखेंगे, पूरी जानकारी वहां जाकर भी बताएंगे कि स्पॉट पे वो हुआ है। फिलहाल ये हम बता रहे हैं जहां बजालता को रास्ता जाता है और यही सिदरा का एरिया है जहां पर हम पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां रोकी गई हैं, अब देखते हैं कितनी देर तक रोके रखते हैं और क्या मसला है आगे। आईडी रिकवर की गई है, अब कितनी देर तक ये चीज़ें रहती है, और क्योंकि आगे पीछे की चीज़ें भी देखी जाएंगी, कहां से वो आईडी यहां पर आई, किस शख्स ने लाई, ये सारी अभी जानकारी जो है और भी ली जाएगी, इन्वेस्टिगेशन इस पर पूरी की जाएगी। लेकिन बड़ा हादसा जो है वो फिलहाल जो है वो टाल दिया गया है। दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।